दोस्तों 12वीं पास कर ली है तो हुण बच्चे नूं कन्फ्यूजन हो जांदा है कि मैं अगे किस रिलेटड स्टडी करां, मैं अगे बनना की है। तां 12वीं पास करन तो बाद तुहाडे कोल इक ऑप्शन बनदा है इनकम टैक्स इंस्पैक्टर दा। इस बारे दोस्तों तुसीं सुना होवेगा ते इसका काम भी जानदे होवोगे की काम हुंदा है इनकम टैक्स ऑफिसर दा। ते अज दी वीडियो विच पूरी इनफॉर्मेशन तुहानूं देवांगा इसकी एलिजिबिलिटी की है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने वास्ते, सैलरी की हुंदी है इनकम टैक्स ऑफिसर की, एग्जाम पैटर्न किस तरह का हुंदा है, सिलेबस की हुंदा। क्योंकि दोस्तों जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एंड दोस्तों सब तो पहले आप एलिजिबिलिटी योग्यता की होनी चाहिए है, जो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो जो तुम 12वीं पास हो उस तो बाद करना है कि ग्रैजुएशन करनी है, नॉर्मल ग्रैजुएशन सिंपल BA BCOM या BSc कोई भी ग्रैजुएशन किसी भी स्ट्रीम की हुई है तो इस पोस्ट वास्ते अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट गल यह है दोस्तों इस पोस्ट की कि कोई परसेंटेज की रिक्वायर्ड नहीं है, जिन्नी मर्जी थोड़े परसेंट होन बस पास होने चाहिए हो तुम ग्रैजुएशन में, तो इस पोस्ट में कैपेबल हो जाओगे। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने लिए एज लिमिट की होंगी है दोस्तों, जनरल OBC कैंडीडेट वास्ते 18 तो 27 साल की एज लिमिट रखी गई है, तो SC ST कैंडीडेट को 5 साल की एज इलेक्शन मिल जाती है। दैन दोस्तों हम गल करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, जो मेल इस अप्लाई कर रहा है, जो कोई लड़का अप्लाई कर रहा है तो उसकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो चैसट की गल करिए 81 सेंटीमीटर उसकी चैसट होनी चाहिए। तो फीमेल जो अपलाई कर रही है, कोई लड़की इसमें अपलाई कर रही है पोस्ट में, तो उसकी हाइट है जी 152 सेंटीमीटर, वेट जो 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो दोस्तों हम एग्जाम पैटर्न की गल करिए, टोटल जो एग्जाम होंगे ने 4 एग्जाम होंगे ने, जो कि टायर में डिवाइड होंगे ने, मतलब फस्ट टायर में एक कंप्यूटर बेस्ड टैसट होंगे, जिम्मे कौन बनेगा करोड़पति सवाल पूछे जाते हैं, उस तरह अपन तो सवाल पूछे जाते हैं, तो जिस विच कुछ स्पेसिफिक जो सिलेबस के टॉपिक ने वो होंगे ने, तो जे आप क्वालीफाई कर लेने तो उस तो बाद टायर 2 की बारी होंगी है, तो उसे भी CVT 2 कंप्यूटर बेस्ड टैसट कुछ सिलेबस के हिस्से जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टायर 3 की गल करिए दोस्तों, ये लिखती पेपर होंगे, आपको पैराग्राफ या कोई आर्टिकल लिखने होंगे अपनी राइटिंग में। तो टायर 4 की गल करिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रोफेंसी टैसट होंगे, जिस विच नॉर्मल जी कंप्यूटर की जानकारी बारे पूछा जाता है, तो जिम्मे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होंगे, पावरपॉइंट की होंगे, MS वर्ड की होंगे, इस तरह के सवाल इस पूछे जाते हैं। इन एग्जाम में सिलेबस की गल करिए दोस्तों, टायर 1 में जो होंगे जनरल इंटैलीजेंस, जनरल अवेयरनैस, अर्थमैटिक के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टायर 2 में जो कि जनरल स्टडी, अर्थमैटिक, रीजनिंग, इंग्लिश रिलेटड क्वेश्चन आते हैं। तो टायर 3 में जिमें मैं तुम्हें दस दिता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक दिता जाता, जिससे आप आर्टिकल या कोई भी पैराग्राफ अपनी थिंकिंग दे अकॉर्डिंग जो राइट करना होंगे। टायर 4 में आप पहले क्लीयर ही कर लिया कि कंप्यूटर रिलेटड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस विच। दोस्तों सिलेबस रिलेटड मैं तुम्हें एक अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस विच तुम्हें टॉपिक रिलेटड जिमें जनरल इंटैलीजेंस में कि टॉपिक रिलेटड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनैस में अर्थमैटिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस रिलेटड मैं एक वीडियो होर बना देंगा, तो कुछ दिन भी साढ़े चैनल पर चैक कर सकते हो, इसलिए चैनल में सपोर्ट करो तो सबसक्राइब जरूर कर लो, तो नई नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों हम आप गल कर लीजिए आप अपलाई किमें कर सकते हैं इस पोस्ट वास्ते। दोस्तों SSC CGL वालों हर साल सितंबर अक्टूबर किसी भी दोनों महीनों में जोड़े कि पोस्ट अनाउंसमेंट की जाती है, तो 2020 अक्टूबर तक जी पोस्ट है जी अनाउंसमेंट की जा सकती है SSC CGL द्वारा। तो सैलरी दोस्तों जिमें कि सामने शो हो रहा है 41,000 तो लेकर 65,000 तक सैलरी इनक्रीज़ होती रहती है, जिमें जिमें एक्सपीरियंस इनक्रीज़ होता रहा है तो थोड़ी पोस्ट इनक्रीज़ रहती है, तो थोड़ी सैलरी भी इनक्रीज़ हो जाती है। ओके दोस्तों इन्नी जी इनफॉर्मेशन से जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है, जो कोई सवाल है इस वीडियो रिलेटड या इस पोस्ट रिलेटड तो कमेंट जरूर कर दो, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो।